क्यों चाचा ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? सुबह मेरी बेटी कॉलेज गई थी, अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। आपकी भी बेटी नहीं आई क्या? हमारी बेटी ही नहीं, इस गांव की कोई भी लड़की नहीं आई है। ये क्या, कोई भी नहीं आया? ठीक है चाचा, आप अंदर जाइए, मैं देखता हूँ। चाचा, चिंतलपुरी की लड़की को बस में आते हुए देखा क्या? पता नहीं बेटा। ए भाई बोलो, चिंतलपुरी की लड़की को बस में चढ़ते देखा? पता नहीं भाई। भाई भाई, चिंतलपुरी की लड़की बस में चढ़ी क्या? नहीं देखा बाबू। भाई, चिंतलपुरी कॉलेज जाने वाली लड़की को बस में चढ़ते देखा? सुबह से यहीं पर होते हो ना, कैसे नहीं देखा? अरे मुझे नहीं पता, चल जा, जा। बेटा इतना परेशान क्यों हो? हमारे गांव की लड़कियां अब तक लौटी नहीं। कौन? वो चिंतलपुरी जाने वाली लड़कियां? हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? एक मिनट। शक हो रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया। चिंतलपुरी वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है पीछे, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लिफ्ट चाहिए तो बैठ जाओ। चले क्या? हाँ ठीक है, चलते हैं। गुरुजी एक मिनट, मैं अभी आता हूं, जरा एक बार दीजिए और मुझे पेन दीजिए। जहां तक मैं जानता हूं इस दुनिया में फोन को फोन की तरह इस्तेमाल करने वाले आप ही हैं। मैं चलता हूं। बालोते रोज मैं बिल भरता हूँ, आज तू भरेगा। हेलो, रोज मैं शर्त जीतता हूँ इसलिए तू बिल भरता है, वरना मैं नहीं भरता क्या? शर्त के पैसे से मैं दारू पीता हूँ, मैं शर्त के पैसे कैसे दे पाऊंगा? अच्छा? और आज मैं जीतूंगा। हेलो, बिल्डर मत दे, पहले शर्त लगा। हाँ ठीक है, आज कुछ भी हो जाए शर्त लगा के जीतना ही होगा, कोई नजर नहीं आ रहा यार। इतना मामला अंदर जाने के बाद भी सब कुछ ठीक है। इस पे ही शर्त लगाता हूँ। हे यहाँ, वहाँ पे उस आदमी को देख, मुंह साफ कर रहा, उसको देख, तुझे उसे हंसाना होगा। बस इतना सही ना। अगर मैंने गाना गाया ना तो लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तू अभी देख मैं अभी क्या करता हूँ। ए दड़ियल, हेलो, नशा शराब में होता तू, नाचती बोतल, अरे नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, बोला बोला नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ। वैसे मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह पर जल रहा है और तू मुझे और जला रहा है। अबे मैं किस हालत में बैठा हूँ और तू गाना कौन सा गा रहा है? भाई 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 वो पी रखी है ना तो थोड़ा सा जरा बहक गया। पीने वाले को ऐसे मारते नहीं। आप आओ ना, बैठो ना, बैठो, आप बैठो, बैठो आराम से। क्या पियोगे? पियो ना, लो ले लो, पियो पियो पियो। हाँ तो चुप करना। अब बोलो भाई, क्या तकलीफ है आपको? हमारे गांव की लड़कियां कॉलेज से अब तक घर नहीं आई। जिस लड़की को मैं चाहता हूं वो भी उनमें से एक है। क्या हुआ होगा ये सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है भाई। ये देखो, ये गाड़ी का नंबर लेकर पागलों की तरह रास्ते पर घूम रहा हूं मैं। ये तो अपना रमेश का नंबर है ना? हाँ उसी का है, उसी का है। भाई तुम उसे जानते हो क्या? हाँ मैं इसे पहले वही बैच के साथ घूमता था ना, सुधारने के लिए उसमें से बाहर आके शादी करके बिगड़ गया। शादी के बारे में किसने पूछा तुझसे? कहाँ मिलेगा बताओ? गांव के बाहर वाटर टैंक के बगल के शेड में मिलेंगे। अगर अपनी कहानी बताने की कोशिश करेगा ना तो बहुत मार खाएगा, दिमाग में डाल ले। कहानी बताने को मना किया था ना? हाँ पर वो फिसल के। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। आज के बाद वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। आप लोग फिक्र मत करो, बाला आ चुका है, एक एक की हड्डी पसली एक कर दूंगा। इसे देखकर लड़कियां खुश हो गईं, मतलब ये इनका जानने वाला है। मतलब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा साफ कर ही लेते हैं। ए, जरा संभाल तो इसे। हाँ संभालो मत, मैं संभाल लूंगा, आ जाओ। लड़कियां चाहिए क्या? हाँ एक एक को मार दूंगा। बेवजह इसे क्यों फेंक रहा है, इधर ला। लगता है आ रहे हैं, लगता है उसी ऑटो में आ रहे हैं। चलो उतरो उतरो। आ गई? कुछ नहीं चाचा, गांव के बाहर बस रुक गई थी ना तो उन्हें ले आया। मेरी बेटी को कुछ होता तो मैं मर जाता। चाचा इस गांव में मेरा शब्द नहीं होता, हमारा शब्द होता है। ठीक है चाचा, बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ। चलो जाओ। अरे रुको, क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम आज वहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। देखो तुम्हारे बिना एक घंटा रहना भी मुश्किल है, तो ऐसी हालत में इतने घंटे तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ, बोलो ना। ए, 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 रुक जाओ, ऐसे चुम्मा दे रही हो तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर बाद में कुछ हुआ तो मेरी गलती नहीं है। एक बार गलती होने के बाद अगर वो दोबारा की जाए तो गलत नहीं होता। तो फिर रुकना और रोकना मुझसे नहीं होगा। भाई साहब, पंडित जी ने जब आपके बारे में बताया तो बहुत खुशी हुई। इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है हमें। देखिए लड़की आ गई। लड़की ने पढ़ाई कहाँ तक की है? डिग्री तक पढ़ाई की है इसने। उनको दो बेटी। लड़की बहुत कुशल है, इसकी माँ ने इसे बहुत अच्छी तरह पाला पोसा है। बहुत अच्छी लड़की है। पंडित जी को तो यही है क्या जो रिश्ता देखने आया है? हमारी बेटी खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। ये क्या, आपके घर में दिन में भी मच्छर घूमते हैं? सिर्फ आपके घर में है या फिर पूरे गांव में इस तरह से घूमते हैं? ये तो लड़की इतनी सुंदर है इसलिए मैं यहाँ इतनी देर तक बैठा रहा, वरना शूज निकालने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाता। क्यों पापा? सही कह रहे हो। वैसे भी लड़की तो ये, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो करना बात। यहाँ पर नहीं, अकेले में। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या कहता है ये। बोल भाई क्या बात है? आजा लाडले बताता हूँ। ओहो, कहाँ से हो? हाँ? हैदराबाद से। ये बात करने के लिए यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? ए, वहाँ पर क्या क्या बोल रहा था? वहाँ मारता तो बहुत रोता इसलिए यहाँ लाके मार रहा हूँ। वैसे शादी के बाद हमारी लड़की तेरे घर पे आएगी तो तू हमारे पास नहीं आएगा ना, तो तुझे इस घर से क्या काम है? एक चीज़ बताता हूँ, याद रखना, हम जिस लड़की से शादी करते हैं उसे यहाँ पर रखना है या यहाँ पर रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना चाहिए। बाकी किसी चीज की फिक्र करेगा तो तू गया, पूरा काम से चला जाएगा। ए, इस गांव का एक ही राजा है, उस राजा के घर पे आके किस तरह बर्ताव करना है पता नहीं है तुझे? मर्यादा, मर्यादा सीख ले। चल। थोड़ा मुस्कुरा। पापा मुझे ये रिश्ता मंजूर है, अगर आपको पसंद आया तो हाँ कर दीजिए ना। चलिए पापा अब चलते हैं। इसे क्या हो गया? हम चलते हैं। नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, ठीक है चलते। बहुत बढ़िया। क्या कह दिया तूने उससे? आया तो ऐसे था, गया तो ऐसे है। जिसको जैसे समझाना चाहिए वैसे मैंने उसको समझा दिया। हाँ, समझ गया।